डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और ऑल्सो आजकल हम कॉन्गो केसेस भी देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, वो बकरीद के बाद. डेंगू जो है वो हमारे पास इसी सीजन में आता है, बल्कि अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा इसके केसेस आते हैं. और बचाव के लिए इसके बचाव नस्बतन आसान है. इसेंशली आपको मच्छर से बचना है इसके अंदर. अब ये मच्छर घर के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं होते, ये घरेलू मच्छर है. और जिसका मतलब है कि ये अच्छा टाइम है कि अपने घर में जितनी भी जालियां हैं खिड़की के बाहर जो है वो ज़रा चेक कर लें, उसमें कोई अगर सुराख है, छेद है, तो ज़रा उसको बनवा लें. इसके साथ साथ जो पर्दे या सोफे या उसके नीचे स्प्रे ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मच्छर अंदर हैं वो ख़त्म हो जाए. और जैसे आखिरी चीज़ आपने बताइए कि पानी खड़ा हुआ है तो उसको खड़े ना होने दें, खासतौर पर गमलों के अंदर या टायरों के अंदर, क्योंकि ये वाला मच्छर साफ पानी पसंद करता है, गंदा पानी इतना पसंद नहीं करता. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी को खुदा ना खास्ता हो जाता है डेंगू, तो वो रादर देन गोइंग फॉर द कन्वेंशनल मेडिसिन टोटके करते हैं कि पपीता ये कर लें, लेमन और हाँ जी, एप्पल जी, हाँ जी, जूस. तो डॉक्टर साहब ये कितना कारगर है या फिर ये कितना नुकसानदेह है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है. इसके अंदर डिपेंड करता है. जो अगर लेमन और एप्पल जूस लोग अक्सर लेते हैं तो उसको लेने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, शायद वो फ़ायदेमंद ही हो. बिकॉज हम ये कहते हैं कि जब डेंगू हो तो अपना पानी का इनटेक या फ्लूइड्स का इनटेक बढ़ा लें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो ORS हो, ताकि आपके जिसके अंदर पानी का मिकदार अच्छा रहे. क्योंकि डेंगू में सबसे बड़ा मसला पानी की कमी होता है, प्लेटलेट की कमी इतना बड़ा मसला नहीं होता. पपीते का पानी का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कड़वा होता है, और कुछ लोगों को बहुत उससे मतली होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, डायरिया होता है उससे, लोगों को मैदे में तकलीफ होती है. और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ये डेंगू तो इतना बुरा नहीं था, मगर क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा लिया है कि उनको इतना डायरिया हुआ कि उनको दाखिल होने की ज़रूरत पड़ी उसके बाद. तो बेहतर है कि उसको अवॉइड करें, ख़ासतौर पर अगर उसको लेने से आपको लगता है कि आपके मैदे में मसला हो रहा है. मगर उसके अलावा और कोई जूस या कोई भी पानी, मशरूब वगैरह, ये जितना भी लें बेहतर है आपके लिए. अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हम सबको पता है कि कितना बुरे तरीके से डेंगू हमें हिट करता है, लेकिन मैं चाहूँगी फिर भी हमारी आवाम की आसानी के लिए आप बताएँ कि इसके सिम्टम्स क्या है. क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको बॉडी पेन है या आपको फीवर है तो कहते हैं नहीं नहीं ये डेंगू नहीं, मलेरिया है. अच्छा ये मलेरिया भी नहीं है, मौसम ऐसा चल रहा है ना, बारिश हो रही है, नहीं हो रही, तो ये इस वजह से भी ये सर्दी गर्मी हो जाती है, तो प्लीज़ बताइएगा. तो बिल्कुल, और ये कश्मकश यानी कि क्या ये डेंगू है, क्या ये कोविड है, क्या ये मलेरिया है, टाइफाइड, इन सब के अंदर फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी के अंदर बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है. एंड डेंगू में जो मसले मसाले होते हैं जिसके अंदर प्लेटलेट कम होना या पानी कमी होना, वो उस वक्त होता है जब बुखार टूटता है, जो तकरीबन 5 दिन बाद टूटता है. तो अगर आपको तेज़ बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो ऑब्वियसली बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखा के चेक ज़रूर करा लें. हम लोग जो होते हैं फ्रॉम अ मेडिसिन स्टैंड पॉइंट ये देखते हैं कि आजकल सीज़न किसका चल रहा है. अगर कोविड के केसेस कम है तो हमारा ध्यान डेंगू की तरफ ज़्यादा जाता है, खासतौर पर कि डेंगू का सीज़न है. तो ये रियली देखना पड़ता है कि आजकल मौसम में क्या है, क्या चीज़ फैली हुई है, और उस हिसाब से टेस्ट करते हैं. खुद डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, डॉक्टरों को भी मुश्किल होती है, बाकी को तो और भी मुश्किल है. और डॉक्टर साहब, कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होती है, छोटे बच्चे के बूढ़े अफराद? तो डेंगू लगने के लिए तो सभी को लग सकता है, क्योंकि मच्छर यूजली उम्र नहीं तो चेक करता, वो सभी को काट रहा होता है. मगर ये ज़रूर है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, खासतौर पर जिनको दूसरे मेडिकल मसले हैं, जैसे कि जिनको दिल की बीमारी या बुरी डायबिटीज़ है, या छोटे बच्चे, उनके अंदर डेंगू ज़्यादा शिद्दत ज़रूर अख्तियार करता है, तो उनके अंदर सिवियरिटी ज़्यादा होती है. अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते भी आए हैं कि डेंगू के बाद इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर छोड़ जाते हैं, या तो आपके टांगों में दर्द रहता है, बैक बोन में पेन होती है, आपको हेयर फॉल हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है आपके साथ. तो मुझे ये बताएगा कि अब तो काफ़ी हमने तरक्की भी कर ली है ना, तो क्या अभी ऐसी कोई दवाई आ गई है कि आपको खुदा ना खास्ता अगर डेंगू हो गया और आप उस दौरान ये मेडिसिन खा रहे हैं और आप मुकम्मल रिकवर हो रहे हैं, आफ्टर शॉक्स का बाद में कोई ख़तरा नहीं है? तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली डेंगू के लिए कई दवाइयाँ ट्राई की गई हैं, मगर कोई दवाई ऐसी काम नहीं करती कि इस बीमारी को जल्दी ख़त्म किया जाए. आई गेस कोविड के बरक्स इसके अंदर अब दवाइयाँ आ गई हमारे पास. और जो आफ्टर इफेक्ट्स हमें बिल्कुल सेफ रहा है, बिकॉज एक दफ़ा डेंगू ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों को खासतौर पर कमज़ोरी, वीकनेस, थकावट,
काफ़ी अर्से तक रहती है एंड ये दो तीन हफ्ते कभी कभार एक दो महीने भी रह सकती है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। अच्छी बात यह कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कोई परमानेंट नहीं होती, ये विद टाइम बेहतर हो जाती हैं। तो as long as बरवक्त इलाज कराने उसका ठीक है। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ प्लीज़ ज़रा मुझे समझा दें कि हमें अपनी खुराक में, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर डॉक्टर ही बता सकते हैं कि हमें अपना इंटेक कैसा रखना चाहिए कि हम, या डेंगू जैसी बीमारी है या मलेरिया, क्योंकि आपको पता है कि मौसम आजकल कैसा है, बारिश हो रही है, बाहर के खाने पे ज़रा फोकस हम कम कर दें। हमारी तो हम तो इंतजार करते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा आज आप फिर आवाम से दरख्वास्त कर दें कि बाहर का खाना पीना ज़रा छोड़ दें और घर के खाने पर ध्यान दें। So, देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो भी खाएं पिए इट शुड बी बैलेंस्ड, यानी कि आपके खाने पीने में फल सब्जी प्रोटीन जैसे गोश्त अंडा शामिल होना चाहिए। अगर तवाज़ुन से खाएंगे तो फिर आपका जिस्म ठीक रहेगा। जहाँ तक बाहर खाने का ताल्लुक है तब तो बिल्कुल सही फरमाएं, बाहर खाने में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि बाहर का खाना ऑब्वियसली उसमें अक्सर वो तला हुआ होता है, उसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, तो बेहतर है कि घर का जितना खाएं, बाहर का खा सकते हैं ऑब्वियसली, ऐसा मैं ये कह रहा कि बाहर बिल्कुल ना खाएं, रेस्टोरेंट वाले मुझे मार के मारेंगे वरना, मगर जब भी बाहर खाएं तो मेक श्योर कि गर्मा गर्म खाएं, इट शुड बी गर्म गर्म खाना, और वो चीज़ें ना खाएं जिसके अंदर हो सकता है कच्चा पानी हो, जैसे कि चटनियाँ हो गई, बर्फ़ हो गई, क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर डायरिया और हेपेटाइटिस ये वाले मसले मसाले पैदा